प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास दासियों को जय मसीह की। ग्लोरी टू गॉड। जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आप सभी इसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। सबके जीवन पर प्रभु का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। वचन प्रभु के आप लोगों के जीवन पर काम कर रहा है और उसके द्वारा, वचन के द्वारा आप निरंतर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो आपके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं वो आपके लिए आशीष का कारण हो रहा है, यह हम विश्वास करते हैं। और आप कमेंट करके अपनी सारी प्रार्थना निवेदन को जरूर बताएं। यह आपके लिए विशेष प्रार्थना है, आत्मिक उन्नति होने के लिए, आपके जीवन में प्रभु के नाम से आत्मिक उन्नति बढ़े, आप परमेश्वर के आत्मा में आप भरपूर होते जाएं, वचनों में भरपूर होते जाएं, आपके ऊपर से हर एक शैतान के बंधन टूटे और आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप प्रतिदिन के वचन और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी है या आप जो भी बातों के लिए प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं उसको जरूर दें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और उनसे रिलेटेड वचन को आपके मध्य में लेके आएंगे। विशेषकर हम आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर विशेष रीति से कार्य करने पाए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और मांगने वाले को विश्वास करना चाहिए कि उसे मिल चुका है और प्रतीति कर लेना चाहिए, जैसे कि इब्रानियों की पत्री में आया है। निश्चित तौर पर हमें यह प्रतीति कर लेना चाहिए, हमें अपने जीवन में उस बातों को धारण कर लेना चाहिए कि वह मुझे मिल चुका है और आने वाले दिनों में वह मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होने वाला है, मेरे जीवन पर प्रकट होने वाला है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में वे सब आशीषें प्रकट होंगी जो आपने मांगी है। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन लेता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। क्यों? क्योंकि हम इस बात को किसमें देखते हैं? हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि जैसे ही दानियल ने प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थनाओं को तुरंत ही सुन लिया गया था। उसकी प्रार्थनाएं क्यों रुकी थी? कहां पे रुकी थी? उसकी प्रार्थनाएं शैतान के द्वारा रोकी गई थी और वो भी मध्य आकाश में रुका था। यह इसलिए आपको बात बताई जा रही है कि आप लगातार प्रार्थना करें, प्रार्थना कराएं, प्रार्थना के वचनों को सुने और वीडियोस को जरूर देखें और आप स्वयं प्रार्थना करते जाएं। यह प्रार्थना आपके जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए है कि आप परमेश्वर के आत्मिक कामों में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के आत्मिक आशीषों में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने जो वाचा आपके जीवन में बांधी है वो पूरी हो, बाइबल के वचनों के अनुसार, और परमेश्वर का अनुग्रह अधिक रीति से आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर निरंतर होने पाए। तो आइए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर में आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम आरंभ करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद। राजाओं का राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। वरदानों का श्रोता, आश्चर्य कर्म को दिखाने वाला, मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर, दर्शन में बातें करने वाला परमेश्वर, आपने पिता प्रभु समूएल के पास में आकर उसको पुकारा, आपने छुड़ाने के लिए, आपने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा को प्रभु आपने बुलाया। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अपने लोगों को प्रभु बुलाएं, उनको अवसर दें, नए लोगों को परमेश्वर प्रभु आत्मा में बढ़ाएं, नए लोगों को अभिषेक प्रदान करें। जो आपके लोग हैं उनको आप परमेश्वर सेवा में इस्तेमाल करें, जो सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सेवकाई में और भी बढ़ने पाए, उनकी मिनिस्ट्रीज बढ़ने पाए।
जो सेवा में नहीं है वो सेवा करने के लिए आरंभ करना चाहते हैं वो आरंभ करने पाए। प्रभु जिनकी कलीसियाएं प्रभु सीमित है वो कलीसियाएं पिता परमेश्वर बहुगुणित होने पाए, कलीसिया बढ़ने पाए। जो पिता परमेश्वर वरदान नहीं पाए हैं वरदान को प्राप्त करें, जो प्रार्थनाओं में नहीं बैठ पा रहे हैं प्रार्थना में बैठने पाए, जो वचनों को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं वचन को स्मरण करने पाए, और आप में निरंतर प्रभु बढ़ने पाए। स्वर्ग का परमेश्वर जब आपके लोग प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके लोगों के जीवन में आत्मिक वरदान प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लोग दर्शन की बातों से भविष्यवाणी की बातों से आपके लोग चंगाई छुटकारे की सामर्थ्य से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आप अपने लोगों के जीवन पर आशीष देने के लिए आपने वायदा किया है कि अंत के दिनों में और अपनी आत्मा को बहुत रीति से आप उंडेलेंगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे, दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, वैसा ही प्रगट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वर्ग का परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीष और आशीष और आशीष देता जा। परमेश्वर ज्ञान से, बुद्धि से, पिता परमेश्वर युक्ति से, समझ से, पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को पिता आशीष दे, पिता परमेश्वर ज्ञान की सामर्थ्य को भरपूर प्रदान कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, यहोवा के भय की आत्मा आपके लोगों के जीवन पे ठहरा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में आपके लोग निरंतर प्रभु आप में पिता वरदानों में परिपूर्ण होते जाए, भरते जाए सिद्धता में। प्रभु भर जाए, भर जाए, भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दिन प्रतिदिन आपके आत्मिक वरदानों में भरते चले जाएं, आपके वचनों को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि में भरते चले जाएं। आपके नाम में परमेश्वर हरेक के जीवन पर प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं, जिस प्रकार से पिछले समयों में आपके लोगों ने, आपके दासों ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को दिखाया, प्रेरितों ने चिन्ह चमत्कार को दिखाया, पत्रस के द्वारा, परछाई के द्वारा लोग चंगे किए जाते थे, पौलुस के अंगोछे से लोग चंगे किए जाते थे और उनके हाथों से आश्चर्य कर्म होता था, हाथ रखने के द्वारा अन्य भाषाओं में बातें करते थे। परमेश्वर प्रभु वो सब आशीषें प्रकट हो जाए, पिता परमेश्वर प्रभु आप प्रकाशन के वरदान को प्रकट कर, पिता परमेश्वर भविष्यवाणी दर्शन के वरदान को प्रकट कर। परमेश्वर पिता हरे एक आपके लोगों के जीवन पर जो पिता परमेश्वर आपको खोज रहे हैं, मांग रहे हैं, आपके वरदान से भरना चाहते हैं, वो भर जाए, भर जाए, भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए उनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लोगों के जीवन के विरुद्ध में जितने भी शैतान की शक्तियां काम कर रही हैं वो सब कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सारे प्रॉब्लम्स उनके जो जीवन पर शैतान लेके आए हैं सब आपके लोगों के जीवन से वो अलग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस हाँ परमेश्वर प्रभु ऐसा ही प्रकट कर, आशीष दे, पिता परमेश्वर अनुग्रह प्रकट करे, पिता परमेश्वर सामर्थ्य को प्रकट करे। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरे लोगों के जीवन पे निरंतर प्रभु प्रकट होता जाए। जो लोग आपको खोजते हैं, जो लोग आपको ढूंढते हैं, जो लोग प्रभु आपको पुकारते हैं प्रभु आप उनको मिल जाएं, प्रभु उनको आवाज दीजिए, उनके लिए दरवाजे को खोल दीजिए। पवित्र परमेश्वर उनके घरों में प्रवेश कर, उनके घरों को शांति से प्रभु भर दीजिए। पिता परमेश्वर उनके घरों पर आपके वचन के अनुसार आशीषों से भर दे। आपके लोग जो पिता आपकी ओर निहार रहे हैं प्रभु उनकी ओर दृष्टि कर, प्रभु उनसे अपने मुख को पिता मोड़ के न रखें, वरन अपने मुँह को खोल कर कह दे परमेश्वर हे मेरे बेटे मैं तेरी बातों को सुन रहा हूँ। पवित्र परमेश्वर प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुन रहे हैं, पिता हम ये विश्वास करते हैं प्रभु प्रकट हो जाए आपके नाम में, यीशु के नाम में सारी आशीषें प्रभु हमारे जीवन पर वरदान प्रकट हो जाए। पिता आपके वचन के अनुसार जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे प्रार्थना करके मांगेंगे आप हमें देंगे। प्रभु यीशु जब बादलों पे उठाए जा रहे थे
प्रभु उस समय में उन्होंने कहा कि मैं मेरे समान अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए दूंगा और पिता से मैं विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए, अभिषेक उसका प्रकट हो जाए। जिस प्रकार से पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा हर एक लोगों पर उतरा, वैसे ही पिता परमेश्वर उतर आए यीशु मसीह के नाम में, उतर आए यीशु मसीह के नाम में, उतर आए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, जो हर एक आशीषों को रोकती है वो सब हर एक बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए परमेश्वर पिता। वो आत्मा जब आता है सामर्थ्य लाता है, आत्मा जब आता है अभिषेक लाता है, आत्मा जब आता है परमेश्वर के आशीषों को लेके आता है, वरदानों को लेके आता है। प्रभु प्रकट हो जाए प्रभु पिता, हमारा जीवन सामर्थ्य से भरा हुआ हो परमेश्वर, प्रभु जी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो मसीह जीवन पिता आपके नाम में। पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता आशीष और आशीष और आशीष भरा होता है पवित्र परमेश्वर, ऐसा प्रकट हो जाए, सामर्थ्य भरा होता है प्रभु, ऐसा प्रकट हो जाए। भविष्यवाणी में प्रभु आप चलाएं, प्रभु दर्शन में प्रभु आप चलाएं, पिता भाषाओं के अनुवाद में आप चलाएं, पिता अन्य भाषाओं को बोलने के पिता परमेश्वर सामर्थ्य में आप चलाएं पवित्र परमेश्वर। प्रभु आपके नाम से बुद्धि और ज्ञान में प्रभु आप चलाएं, स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु अभिषेक कर पिता, आपकी सेवकाई को करने के लिए अभिषेक कर पिता, जो आप में विश्वास में बढ़ना चाहते हैं उन पर अभिषेक कर, जो आपके वरदान में बढ़ना चाहते हैं उन पर अभिषेक कर अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता आपके नाम में पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करे पवित्र आत्मा। प्रभु परमेश्वर प्रभु जी अभिषेक के तेल को आपके लोगों के ऊपर में लगाते हैं पिता यीशु के नाम में। प्रभु वो अभिषिक्त पिता परमेश्वर प्रभु जी लोग बने, दास दासी बने, आपके सेवक बने पवित्र परमेश्वर पिता। अभिषेक की घोषणा करते हैं, वरदानों की घोषणा करते हैं, वरदान के परिपूर्णता की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग आत्मिक वरदान में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, रास्ते यीशु के नाम में खुलते चले जाएं, रास्तों में से अंधियारे दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु लोग चंगा करने वाले हो जाएं, भविष्यवाणी करने वाले हो जाएं, भाषाओं का अनुवाद करने वाले हो जाएं, शिक्षाओं को प्रचार करने वाले हो जाएं पवित्र परमेश्वर। ऐसी ज्ञान और बुद्धि को प्रभु आप प्रकट करें, आपके वचन के अनुसार आपके लोग दिन प्रतिदिन आप में परिपूर्ण होते जाने पाए। पवित्र आत्मा अभिषेक, अभिषेक को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। आपके पिता गीतों में बढ़ने के लिए सहायता कर, आपके लिए पिता परमेश्वर वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए सहायता कर प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दीजिए स्वर्ग का राजा परमेश्वर प्रभु। हर एक लोगों के हृदय को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु आपके लोगों के जीवन पर जो परमेश्वर मांग रहे हैं कि हे पिता मुझे अपनी आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर, मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ, भरनी चाहती हूँ मेरे जीवन पर परमेश्वर प्रभु। आप आशीष को प्रकट कर मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, हे परमेश्वर मेरे जीवन पर उतर आ। वैसे ही पिता परमेश्वर आप काम करें, तुरंत उनके जीवन पर पवित्र आत्मा उतर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव हो जाता है, यीशु के नाम में सब कुछ संभव हो जाता है प्रभु। ऐसा ही प्रकट कर अपने लोगों को आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा की मसा से दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक शैतान की शक्तियां टूट जाए जो आपके लोगों के जीवन में आत्मिक वरदान को रोकती है, सारी सेनाएं पीछे हटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लोग बलवंत हो जाए, ताकतवर हो जाए, पावरफुल हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए पिता मसीह लाइफ में यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका अभिषेक आपके लोगों के जीवन पर प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके लोग निरंतर पिता परमेश्वर ऐसे वृक्ष के समान बने जो पिता परमेश्वर हरा भरा रहता है, फलदायी
ही रहता है, फल लगता है, उसमें फूल लगते हैं। बहुत से लोग जो सूख चुके हैं, बहुत से लोग जिनमें हरे भरे पत्ते नहीं है, उनमें हरे भरे पत्ते लगे, टहनियां पिता परमेश्वर कहो जी वो अच्छे होने पाए प्रभु, वो फलवंत होने पाए। हर एक प्रकार का श्राप उनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हरा भरा वृक्ष, फलदायी वृक्ष बन जाए यीशु मसीह के नाम में, वरदानों से परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार का वरदान प्रगट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अंतिम दिनों का अभिषेक उत्तर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने परमेश्वर आपको ढूंढेंगे प्रभु वो पा जाएंगे प्रभु, वो पिता धार्मिकता में चलने लगे, पवित्रता में चलने लगे, ज्ञान और बुद्धि में चलने लगे, वचन के अनुसार चलने लगे, जैसा बाइबल कहता है, वचन कहता है, वैसा ही चलने लगे। वो पिता न तो दाहिने मुड़े न तो बाएं मुड़े, वरन सीधे चले जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसा मूसा परमेश्वर से बातें करता था, वैसा ही आपके लोग आपसे आमने सामने बातें करने वाले हो जाए। ब्रह्मांड का रचिता रच दे, रच दे, रच दे, रच दे, क्रिएट Your all children's life in name of Jesus Christ Lord, प्रभु यीशु के नाम में अपने लोगों के जीवन को रच दे पिता, हर एक समस्याओं को अलग कर दे परमेश्वर, सीधा कर दे प्रभु, हमारे उबड़ खाबड़ मार्ग को सपाट कर दे प्रभु, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु, अभिषेक कर प्रभु, वरदानों से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे प्रभु। मुझे तेरी आत्मा की आवश्यकता है, मुझे तेरी आत्मा के अभिषेक का आवश्यकता है प्रभु, मुझे तेरी सेवा करने के लिए आवश्यकता है, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आवश्यकता है। मेरे जीवन को प्रभु अपने वरदान से, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर परिपूर्ण कर, सिद्धता में परिपूर्ण कर, धार्मिकता में परिपूर्ण कर, वचनों में परिपूर्ण कर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं। प्रभु आशीष 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 प्रकट हो जाए पिता, आत्मिक आशीष प्रकट हो जाए, स्वर्ग प्रभु पिता निरंतर खुला रहने पाए, पवित्र परमेश्वर स्वर्ग दूत संग और साथ रहने पाए, हर एक मुसीबत से प्रभु आप बचाते जाएं, हर एक श्राप से प्रभु आप बचाते जाएं, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी रोग पीड़ा बीमारियों से प्रभु आप बचाते जाएं, तेरी सेवा करने के लिए स्वस्थ शरीर प्रदान कीजिए पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ऐसे आशीष प्रकट हो जाए पवित्र पिता। हर एक सेनाएं घुटने टेके, हर एक प्रकार के शैतान के जो चाल है, जो उसके प्लानिंग्स है वो कैंसल हो जाए पिता, वो निष्क्रिय हो जाए पिता, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक चैन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में जो शैतान के है। स्वर्ग का परमेश्वर अद्भुत आशीष को प्रकट कर, अद्भुत सामर्थ को प्रकट कर, चिन्ह चमत्कार और पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला जीवन को प्रदान कर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पवित्र प्रभु। ऐसा आशीष प्रकट कर, अनुग्रह प्रकट कर, हर एक प्रकार का जुआ अभिषेक के द्वारा तोड़ दिया जाता है वैसा ही प्रकट हो जाए पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता वरदानों की खोज करते हैं, आपके सामर्थ की खोज करते हैं, आपके वरदान की धुन में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्नति की घोषणा करते हैं, ऐसा उन्नति की घोषणा करते हैं कि आप हमारे जीवन को देख के प्रसन्न होने वाले हो जाए स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम ऐसा मांगते हैं, हमारे जीवन को देख करके लोग तेरी बड़ाई करें, ऐसा अभिषेक को प्रकट कर पिता परमेश्वर, पृथ्वी की छोर तक पिता अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर, ऐसा आप परमेश्वर हैं, पृथ्वी की छोर तक आप उनको लेके जाते हैं, आपने अपने चेलों को लेके गए प्रभु, ऐसा आपने उनको इस्तेमाल किया, वैसे ही आज आप इस्तेमाल करें परमेश्वर पिताजी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी अद्भुत आशीष प्रकट हो जाए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा अद्भुत अभिषेक प्रकट हो जाए पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरा अभिषेक पिता हमारे जीवन पर प्रकट हो जाए प्रभु, आपके लोगों के जीवन पर प्रकट हो जाए प्रभु, ऐसा आशीष 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 अनुग्रह प्रदान करे। हम पिता विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में से बंधनों को तोड़ा है पिता, हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में आत्मिक वरदानों को प्रभु आपने
उंडेला है पिता, हम विश्वास करते हैं पिता दानियेल के समान निरंतर प्रभु जब हम प्रार्थना में रहते हैं पिता आप अपने आशीषों को भेजते जाते हैं पिता, हर एक रुकावटें बंधनों को तोड़ने के लिए अपने स्वर्ग दूतों को भेजते जाते हैं प्रभु, सारे रुकावटें और बंधने जितने भी है वो सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र प्रभु आपने हमारी सारी प्रार्थना निवेदन विनतियों को सुना है, विश्वास करते हैं स्वर्ग का परमेश्वर, हम अपनी सारी प्रार्थना निवेदन विनतियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष को मांगते हैं। आत्मिक उन्नति हमारे जीवन पर अद्भुत रीति से हर प्रकार की आत्मिक उन्नति प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम से आपने दिया है पिता, विश्वास के साथ स्वर्ग से हम आशीष और आशीष को मांगते हैं आत्मिक उन्नति के रूप में यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर के लोगों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और हम निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।